When we talk about the haloform reaction, सबसे पहले एक चीज ध्यान से सुनो. Haloform reaction is the reaction of methyl ketones. Methyl ketone. Methyl ketone का मतलब ये है कि हमारे पास कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन 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 है और ये C डबल बॉन्ड O है. ये मिथाइल ग्रुप है और ये कीटोनिक ग्रुप है. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मिथाइल कीटोन्स. यहां पर एक ग्रुप लगा हुआ है R और ये ग्रुप हाइड्रोजन भी हो सकता है. मतलब यहां पे फिनाइल हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है. यानी कि तीन चीजें हो सकती हैं, या तो ये कार्बन है या एक हाइड्रोजन है. तो अगर ये हाइड्रोजन है तो ये एक एल्डिहाइड हो सकता है एंड दैट इज सी एच थ्री सी एच ओ. This reaction is given by methyl ketone. Only one aldehyde gives this reaction and that is acetaldehyde ethanol. Baki koi aldehyde ye reaction nahi deta. Is it clear? So that is the important thing about it. An important baat ye hai ki agar hamare paas methyl secondary alcohol hai. Ye. Methyl secondary alcohol. ये अल्कोहल अंडर द रिएक्शन कंडीशन, जिस कंडीशन में ये रिएक्शन होता है, यहां पे हम हैलोजन डालते हैं. हैलोजन एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ये कंपाउंड मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल अंडर द गिवन रिएक्शन कंडीशंस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू गिव मिथाइल कीटोन्स. रिएक्शन ये मिथाइल कीटोन का है, अल्कोहल का नहीं है. लेकिन क्योंकि अल्कोहल मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल गिव दिस रिएक्शन. क्लियर? ठीक है. सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन देता है एंड दैट प्राइमरी अल्कोहल विच गिव्स दिस रिएक्शन इज इथेनॉल. क्योंकि इथेनॉल भी यही है, सी एच थ्री सी एच ओ एच. फर्क सिर्फ इतना है यहां पर हाइड्रोजन है. तो फिर से मैं हालोफॉर्म रिएक्शन के बारे में बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना. हालोफॉर्म रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, बट वन एल्डिहाइड गिव्स दिस रिएक्शन दैट इज एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल. मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल आर केपेबल ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू मिथाइल कीटोन्स, देयरफॉर मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल ऑल्सो गिव दिस रिएक्शन. अगर आपको प्रोपेन टू ऑल और प्रोपेन वन ऑल में डिफ्रेंशिएट करना है तो द आंसर इज हैलोफॉर्म रिएक्शन. क्योंकि प्रोपेन वन ऑल हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, प्रोपेन टू ऑल हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा. सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन देता है, दैट इज इथेनॉल. अगर इथेनॉल मिथेनॉल के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है तो हैलोफॉर्म रिएक्शन इज द आंसर. इज इट ओके? ठीक है. तो अब इतना समझते हुए वी गेट फर्दर. इतना समझ में आ गया? तो अब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करेंगे. ये देखते रहो, देख लो. हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ, हैलोफॉर्म रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ मिथाइल कीटोन्स. That is, the ketones which have a CH3 attached to carbonyl group. Full stop. One aldehyde gives this reaction. That is acetaldehyde ethanol. Full stop. Methyl secondary alcohols. Methyl secondary alcohol. That is the alcohols which have a CH3 attached
CH3 attached to CHOH. Get oxidized under the reaction condition. Get oxidized under the reaction condition to give methyl ketone. Hence, give the test. Full stop. Ethanol, that is ethyl alcohol. Ethanol, that is the ethyl alcohol, is the only primary alcohol. Which gives this reaction. Full stop. Tertiary alcohols do not. Tertiary alcohols do not give this reaction. Tertiary alcohols do not give this reaction. सिंपल सी बात है, टर्शरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड कीटोन नहीं बना सकते, तो इस वजह से टर्शरी अल्कोहल्स ये टेस्ट नहीं देते. ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देते हैं, दूसरे एसिड डेरिवेटिव्स भी नहीं देते हैं. ओके, तो ये हमारे पास सीधा सीधा हालोफॉर्म रिएक्शन की प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है. यानी कि कभी भी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, विच ऑफ दीज कंपाउंड्स विल गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन, विच ऑफ दीज रिएक्शन कंपाउंड्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग हैलोफॉर्म रिएक्शन, विच ऑफ दीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग हैलोफॉर्म रिएक्शन. तो विच ऑफ, और घुमा के बोल देते हैं, विच ऑफ दीज विल गिव अ रेड येलो प्रेसिपिटेट विद I2NaOH. तो इस तरीके से पूछा जा सकता है. तो दैट इज व्हाट द रिएक्शंस आर. ओके, अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जब हम इन हालोफॉर्म रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये रिएक्शन एज सच एल्डिहाइड और कीटोन के भी नहीं है, ये रिएक्शन है इनॉल का. दिस इज द रिएक्शन ऑफ इनॉल. ये एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है, इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो हम ये कह सकते हैं इस कार्बन के पास एक वैकेंसी है. डबल बॉन्ड इज अ वैकेंसी, तो यहां पे इस कार्बन के पास एक वैकेंसी है. देयरफॉर यहां पे CH3 का इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है. हाइपर कॉन्जुगेशन में यहां पे ऑक्सीजन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप है. बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप, ये बॉन्ड यहां पे क्लीव हो जाता है, और जब ये यहां पे क्लीव होता है तो वी आर गोइंग टू गेट अ टॉटोमर विच वुड बी सी. यहां पर एच है, यहां पर एच है, ये डबल बॉन्ड है, सी ओ एच है. ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहां पे अगर इस हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है, पहली बात तो वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, दूसरा वो नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्ट्रीब्यूट करके तीनों एटम्स पे स्प्रेड हो जाएगा. तो इस वजह से ये हाइड्रोजन काफी ज्यादा एसिडिक है. इन प्रेजेंस ऑफ द बेस ये हाइड्रोजन निकल जाता है. तो इस तरीके से क्योंकि ये इनॉल बना सकता है, इस वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक है. तो हालोफॉर्म रिएक्शन एक्चुअली एल्डिहाइड कीटोन का भी नहीं है, हालोफॉर्म रिएक्शन एक्चुअली इनॉल का रिएक्शन है. फाइन, ओके, पर हम इतना लंबे चक्कर में पढ़ते नहीं, ये एक इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रख लो, अगर कभी किसी ने एडवांस्ड में, देखो ये मेंस में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एडवांस में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ दीज रिएक्शन आर गिवन बाय इनॉल, Which of these are require an enol as an intermediate? तो उस तरीके से अगर ये सवाल पूछा गया तो उसमें हालोफॉर्म रिएक्शन आ जाएगा. हालोफॉर्म रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, ये सारे इनॉल के रिएक्शन है. ठीक है, क्लियर. पर हम इसको सिंपल तरीके से करेंगे, हम ये मान के चलते कि ठीक है इनॉल बनेगा, फिर अल्टीमेटली नेगेटिव चार्जेस कार्बन पर भी आता है, तो हम उस तरीके से बना सकते हैं. तो इनॉल मानते हुए, इसको ये समझते हुए, वी आर गोइंग टू गेट अलोंग विद अ सिंपल मैकेनिज्म.
हमारे पास ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को हम एक बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं एंड दैट बेस कुड बी ओ एच माइनस। ठीक है, इसके दो तरीके से मैकेनिज्म बनाए जा सकते हैं, एक हम ओ एच माइनस के थ्रू इसका मैकेनिज्म बना सकते हैं और दूसरा हम इसका मैकेनिज्म बना सकते हैं ओ एक्स माइनस के थ्रू। ओके, दोनों ही तरीके से मैकेनिज्म बनेगा, दोनों तरीके से सही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम प्रोडक्ट बनेगा। ओ एक्स माइनस कैसे बनाया जाता है, लेट अस से हमारे पास है एन ए ओ एच और हम उसको रिएक्ट करवा देते हैं एक्स टू के साथ। जब हम इसको एक्स टू के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यह बनाता है एन ए ओ एक्स प्लस एन ए एक्स प्लस एच टू ओ। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम हाइपोहैलाइट। ठीक है, अगर ये Cl है तो दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइट, अगर ये Br है तो सोडियम हाइपोब्रोमाइट, अगर ये आयोडीन है तो सोडियम हाइपोआयोडाइट। क्लियर, तो ध्यान रखना एग्जामिनेशन में सीधा सीधा सवाल हो सकता है कि यहां पे ऐसा कोई कंपाउंड बना देंगे और यहां पे लिख देंगे NaOi, दिस इज सोडियम हाइपोआयोडाइट, और कभी मजे लेने के लिए इसका नाम लिख देंगे, नाम से तो मुड़ जाते हो, जहां नाम लिखा मिल जाए तो समझ ही नहीं आता है कौन सा कंपाउंड है, कभी तुम्हारे दिमाग में ये तो कभी आता ही नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर बना के देख लें एक बार, बस नाम देखती यार क्या है ये, सोचते रहेंगे, ये नहीं कि पेन उठा के स्ट्रक्चर बना ले, वो तुम करते नहीं हो और वहीं मर जाओगे। तो इसलिए सोडियम हाइपोआयोडाइट लिखा मिल जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड विद आई टू लिखा मिल जाए, NaOi लिखा मिल जाए या फिर ब्लीचिंग पाउडर लिखा मिल जाए। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, CaOCl2, दिस इज CaOClCl हाइपोक्लोराइट। ठीक है, तो यहां पर कुछ भी लिखा मिल सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विद एक्स टू, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद एक्स टू, सोडियम कार्बोनेट विद एक्स टू, बेसिक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड विद एक्स टू। हमें ओ एच माइनस से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो कैटायन कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं चलेगा, वो बहुत वीक होता है, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस चलेगा यहां पर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद एक्स टू ले लिया, स्लेक्ट लाइम विद एक्स टू लिख दिया, मतलब कि मजे लेने वाली बात है, नाम बदलते चले जाएंगे, रिएक्शन यही रहेगा, तो वो नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि एग्जामिनेशन में कोई भी नाम पूछा जा सकता है। ओके, तो कुछ भी हमने लिख दिया, ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये यहां अटैक करेगा, ये यहां अटैक करेगा। ठीक है, वी आर गोइंग टू गेट HCHCO-। ठीक है, यहां पर भी यही बनेगा, अब कार्बो एनायन। ठीक है, और यहां पर H2O निकल जाएगा, यहां पर HOX निकल जाएगा। अब इसके ऊपर वी अलाउ द रिएक्शन ऑफ एक्स टू। अब जैसे कि हमें पता ही है कि हैलोजन मॉलिक्यूल अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल है, एल्कीन के ऊपर भी रिएक्शन कर रहा था हैलोजन मॉलिक्यूल का, तो हैलोजन मॉलिक्यूल इन इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो यहां पर हम हैलोजन मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवा सकते हैं, ये यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्लीव करेगा, यहां से x माइनस निकल जाएगा और x माइनस निकलने के बाद हमें x मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां पर हम इसका एच ओ एक्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये हमारे पास है एच ओ एक्स
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां अटैक करेगा, ये यहां क्लीव करेगा और यहां से एच ओ माइनस निकल जाएगा और साथ में हमें एच सी एच एक्स मिल जाएगा। Is that clear? नेक्स्ट स्टेप में एक और एक्स टू ओ एच माइनस का रिएक्शन करवा दीजिए या एक और ओ एक्स माइनस का रिएक्शन करवा दीजिए, यहां मिल जाएगा आपको सी एक्स एच रहेगा ना यहां पर एक एक्स एक्स, ठीक है, यहां पर भी आपको यही मिलेगा एच एक्स एक्स, फिर से एक और बार एक्स टू ओ एच माइनस का रिएक्शन करवा दीजिए ओ एक्स माइनस का रिएक्शन करवा दीजिए एंड यू आर गोइंग टू गेट सी एक्स एक्स एक्स। यहां पर एच टू ओ निकलेगा, यहां पर ओ एच माइनस निकलेगा तो अगर आप इस रिएक्शन को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ आर थ्री ओ एक्स माइनस माइनस थ्री ओ एच माइनस गिव्स सी एक्स थ्री now getting on to the next step।
अब यहां पर ये जो कार्बन है ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है। ये कार्बन तीन हैलोजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन चुका है, साथ में एक ऑक्सीजन लगा हुआ, वो भी इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इस कार्बन के ऊपर वेरी हाई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहां पर ये सिस्टम है बेसिक, तो यहां पर हमारे पास OH- की तो कोई कमी है नहीं। OH- यहां अटैक कर जाता है, ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है। हाँ, आप इसको दो स्टेप में भी कर सकते हैं कि यहां पे OH- का अटैक करवाएं, इस बॉन्ड को क्लीव करें, फिर इसका अटैक वापस करवाएं, तो ये इसको रिमूव कर लें, आपकी इच्छा है, तो दो स्टेप में भी लिख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे इसमें ऐसे करना अच्छा लगता है। तो ये बना देगा CX3- प्लस COOHR। नाउ CX3- कोई बहुत स्टेबल एनायन नहीं है, तो इस वजह से ये सिस्टम में से ये जो हमारे पास सिंपल सा एच ओ एच है, इसमें से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है एंड इट फॉर्म्स एच सी एक्स थ्री। ये एक एसिड है और इस सिस्टम के अंदर हमारे पास काफी सारा OH- माइनस है, तो OH- माइनस यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है, इसमें से H2O निकाल देता है और यहां पर ये OH- माइनस निकाल देता है, H2O निकाल देता है एंड वी गेट COO- R। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो ओवरऑल रिएक्शन इज CH3C डबल बॉन्ड OR प्लस 3OX- गिव्स अस CHX3 प्लस RCOO-। दिस इज द एंटायर हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब अगर हम इस बात को करें कि हालोफॉर्म रिएक्शन कहां यूज हो सकता है, व्हाट इज द यूज ऑफ हालोफॉर्म रिएक्शन, द वेरी फर्स्ट यूज, इट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश मिथाइल कीटोन्स फ्रॉम नॉन मिथाइल कीटोन्स। फर्स्ट, इट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम एनी अदर एल्डिहाइड। इट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम एनी अदर अल्कोहल। इट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश इथेनॉल फ्रॉम अदर प्राइमरी अल्कोहल्स। इट कैन बी यूज टू प्रिपेयर हैलोफॉर्म्स, यानी कि हाइड्रोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जा सकता है। इट कैन बी यूज टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम मिथाइल कीटोन्स। इट कैन बी यूज एज अ स्टेप डाउन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है उसके अंदर एज कंपेयर टू द कीटोन एक कार्बन कम है। Is it clear? समझ आई बात? ठीक है? अब कुछ ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं जहां पे हैलोफॉर्म रिएक्शन वुड बी योर सेवियर। मतलब ये जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है
CH3 CH3 OH CH2 CH2 C double bond O CH3। अब अगर इस कंपाउंड को आपने कन्वर्ट करना है CH3 COH CH3 CH2 CH2 COOH में, तो सिंपल हैलोफॉर्म रिएक्शन। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ये जो भी बोर्ड पे लिखा है इसमें कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। अबे टेप लिया? ओके, तो मैं अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं। मैं आपको एक लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स दे रहा हूं, आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है कि इनमें से कितने हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे और कितने हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? ओके, चलिए भाई लोगों इधर देखो। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि इस क्लास में आना बिल्कुल ऑप्शनल है ना, और इस क्लास में मैं ये मानकर चलता हूं कि जो भी आता है वो पढ़ने के लिए आता है, क्योंकि जबरदस्ती तो है नहीं, तो इसलिए पढ़ो। गप्पे मारनी है आप क्लास के बाहर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं काउंटिंग भी नहीं करता। ओके ठीक है, ओके देखो। And the options are क्वेश्चन लिखा जा चुका है, शुरू हो जाओ। Thank you.
चलिए आपने मुझे सिर्फ इतना बताना है, इन सारे कंपाउंड में से कितने कंपाउंड हालोफॉर्म रिएक्शंस देंगे? हाँ जी हुजूर, आंसर हाउ मेनी ऑफ दीज कंपाउंड वुड गिव हालोफॉर्म रिएक्शन? क्या किया मैंने, ये ठीक कर लो, यहां पे कार्बन की वजह से 5 बन गई है, असर आ जाता है मुझ पर भी। भाई एक मिनट, अगर आपको आता है तो आप सॉल्व कर लीजिए। आज मैं तुम्हें बिल्कुल पॉइंट नहीं करूंगा, तुम एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, गो हेड, किसी और को तो नहीं कर रहे हो। भाई उधर गर्दन मत घुमाइयो, इधर तुम्हें नहीं कह रहा हूं, कहा ना तुम्हें कुछ मैडम, इट्स अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अमाइड्स आर नॉट एल्डिहाइड्स। और अमाइड्स में अगर एसिडिक हाइड्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। देखो एक दूसरे को मत समझाओ, आप आंसर निकाल चुके हैं तो निकाल के चुपचाप पेन बंद करके बैठ जाओ। एक बात का ध्यान रखना, मुझे उम्मीद कम है कि आप में से किसी का भी सारे आंसर सही होंगे, मैं सीधा बोल रहा हूं, तो इसलिए अपनी गलतियां दूसरों पर मत थोपो।
ओके काउंटिंग, पहले तो काउंटिंग लेते हैं फिर पूछेंगे कौन कौन से कंपाउंड्स. ओके फाइन, सो हाउ मेनी कंपाउंड्स आउट ऑफ दीज 12 विल गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन? 5, 6, 5, 4. ओके 4, कोई 4 से कम नहीं? हम कम वाले से शुरू करेंगे ना, फिर मिनिमम जो बताएगा फिर देखेंगे कि वो मिनिमम कितना अच्छी तरह बता पाता है. हाँ भाई, कोई 4 से कम? 4, दैट्स अ मिनिमम. और मैक्सिमम कितने? 1. कोई 1 से ज्यादा? 10. ओके गुड. और ओके चलो फिर 4 वालों से शुरू करते हैं. कौन था 4 वाला? ओके बोलो कौन सा पहला? 5th. किसी को डाउट? 5th हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा. वो कह रहा करेगा नहीं करेगा. अबे करेगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन का इंटरमीडिएट है. अरे हैलोफॉर्म रिएक्शन का ही इंटरमीडिएट है तो इसके अंदर मैंने OH- माइनस डाल दिया, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म बनेगा या नहीं बनेगा? फिफ्थ वाला शो करेगा. इज इट क्लियर? तो आई थिंक सबका नंबर चेंज हो गया होगा. अब 1 बढ़ गया. अभी तो वो तो 4 पे ही है. ओ 5 पे नहीं, 4 पे. हाँ 4 पे है वो तो. ओके यानी कि आपको तो पता नहीं कौन कौन से होंगे. ओके फाइन. और अगला 6th, किसी को डाउट? शो करेगा, सबने लिखा हुआ इसको? चलो ओके 6th भी शो करेगा. फिर 7th भी शो करेगा? कोई डाउट? ओके क्लियर. 7th, उसके बाद 12th शो करेगा, किसी को डाउट? कोई कह रहा है ये नहीं करेगा शो? हाँ जी 12th शो नहीं करेगा. बेटा ये इनॉल है, इसका टॉटोमर बनाएगा, एसीटोन बनेगा. ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट इसका टॉटोमर करता है. ये करेगा ठीक है. एक मिनट रुक जाए, 4 वाला कंप्लीट करने दे फिर सोचेंगे. 1, 2, 3, 4. 7th कौन कह रहा है? एक मिनट 7th कौन कह रहा है नहीं करेगा? 7th नहीं करेगा. ये सेकेंडरी अल्कोहल है, मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल. ये ऑक्सीडाइज होगा और ये बनाएगा काउंटिंग में, एक ऐड कर लो. कितने हो गए तुम्हारे? अब 7 हो गए. गुड. ये तो था 4 वाला. ओके 5 वाला कौन था? 5 वाला ऐसा कितने थे आपके? काउंटिंग बोल, क्यों नहीं कितने कर क्या रहा था इतनी देर से? जल्दी बोल कितना है. ओके टेक योर टाइम, जल्दी बता कितने देखे. 4 सामने लिखे हुए, और कोई है? हिमांशु आंसर कितने? इतनी देर से दिया क्या था तुम्हें? तुम दोनों साथ बैठ जाया करो, या तो फ्रंट सीट पे या लास्ट सीट पे. आंसर तुमने देने नहीं होते. आंसर बोल भाई. यार एक तो तेरे से पूछ रहा हूं क्वेश्चन, एक तो तेरे को पढ़वा रहा हूं, ऊपर से रहने दो.
तो लेट आए तो क्या मतलब, मैकेनिज्म तो बाद में लिखा है मैंने। फिर से बता देता हूं, चलो फिर से बता रहा हूं भाई, जो लेट आए थे ध्यान से सुन लो। हैलोफॉर्म रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O और साथ में उसके लगा हुआ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय मिथाइल कीटोन्स एंड ओनली वन एल्डिहाइड गिव्स दिस रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड। ओके, मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल्स, मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल्स गेट ऑक्सीडाइज अंडर द रिएक्शन कंडीशन फॉर्मिंग मिथाइल कीटोन्स, इसलिए मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव दिस रिएक्शन। ओनली वन प्राइमरी अल्कोहल गिव्स दिस रिएक्शन, दैट इज इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। फर्दर, टर्शियरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देते, कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देते। इज इट क्लियर, समझ आ गई बात? ठीक है, अब आंसर दो। और ये पूरी बात मैंने लिखवा रखी है, दूसरे ही कॉपी में झांक लेना, पूरी किताब पूरी बात लिखवा रखी है, डिक्टेट करवा रखी है। ओके फाइन, फाइव वाला कौन था? छह हो गए, पांच वाला कोई बचा है? कोई नहीं बचा, गुड। कितने हैं? छह। चल शुरू हो जा, चार तो ये रहे, बाकी बता। सेकंड वाला, अबे सबने सेकंड वाले को लिस्ट में बना रखा है? कोई ऐसा जिसने सेकंड वाले को लिस्ट में नहीं डाला हुआ? क्यों नहीं डाला? तो अच्छी बात है ना, अच्छा तो यहां पर अटैक हो जाएगा। He is right. He has a form reaction नहीं देता। ये जो ग्रुप है, this is called active methylene group. Active methylene group के दोनों side C double bond हुए, और इस वजह से अगर कोई OH माइनस अटैक करेगा तो वो इस पर कभी अटैक नहीं करेगा, वो इस पर अटैक करेगा। और इस वजह से द कंपाउंड विच हैव एक्टिव मिथिलीन ग्रुप डू नॉट गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है भाई, आप में से ऐसा कोई जिसने फर्स्ट वाले को इंक्लूड कर रखा है? फर्स्ट वाला टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ थर्ड वाले को किसी ने इंक्लूड कर रखा है? अब नहीं करा, अब तो सबके छह वालों के तो चार हो गए होंगे। तो ये शो नहीं करता, ठीक है। अच्छा अभी बताओ, अभी हाईएस्ट वाला टेन वाला कौन सा था? टेन। चल यहां से शुरू होते हैं, ट्वेल्व तो हो गया, इलेवन शो करेगा? नहीं करेगा, या नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये भी गया, तो यार देख एक दो तीन तो यहां चलेगा, टोटल ट्वेल्व है, टेन बचे कहां से? अच्छा तो कितने आए तुम्हारे लाइन? सात हो गए, ओके। अच्छा टेंथ वाला किसने मार्क कर रखा है? बेटा यहां पर ये सीएल है, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ओके। हाइड्रोलाइज होते ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, एसिड क्लोराइड हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। गया? ओके हाँ भाई, नाइन्थ वाला करेगा नहीं करेगा? को
कोई है जिसने मार्क किया हुआ है? करेगा? क्यों करेगा? एस्टर है तो यहां पे ऑक्सीजन क्या क्या करेगा? ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, हाइड्रोलाइज होते कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ द रिएक्शन ऑल द जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स है ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं. अमाइड इसलिए नहीं शो करता, ये हाइड्रोलाइज नहीं होता, पर अमाइड की प्रॉब्लम ये है कि इसका ये जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है वो इस हाइड्रोजन से कहीं ज्यादा एसिडिक है, तो बेस का अटैक यहां होता है, यहां नहीं होता, तो इसलिए अमाइड शो नहीं करता. ओके तो ये शो नहीं करेगा. ये वाला किसी ने मार्क किया हुआ है? किसी ने भी नहीं किया हुआ. ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये इथेनॉल नहीं है, तो ये नहीं शो करेगा. ओके ये कितने है भाई आंसर? चार. ऐसा कोई जिसने इसको मार्क किया हुआ है? किसी ने किया हुआ मार्क इसे? ये करता है. आंसर फाइव है. हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस होता है इसीलिए शो करता है. हाइड्रोलिसिस करके बनाएगा क्या? इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, इथेनॉल शो करता है. अच्छा एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है ये. और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली यही दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बैक क्वेश्चंस में. विच ऑफ दीज कंपाउंड शो हैलोफॉर्म रिएक्शंस, और उसमें ये कंपाउंड है और उसमें लिखा हुआ है अंडर द रिएक्शन कंडीशन इट गेट्स हाइड्रोलाइज टू फॉर्म इथेनॉल विच गिव्स हैलोफॉर्म रिएक्शन. क्लियर? हाँ एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन में है ये, 12th क्लास की. बेटा इसकी रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, पहले ये हाइड्रोलाइज होगा, ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके ये CH3COOH बनाएगा एंड CH3CH2OH बना देगा, दो कंपाउंड बन गए, बेसिक हाइड्रोलिसिस हो गया. और ये CH3CH2OH बना है ये आगे रिएक्शन शो कर देगा. रिएक्शन कोई बड़ी लंबी चौड़ी नहीं है. अभी बोला था ना कि जितने भी एसिड डेरिवेटिव है अंडर द रिएक्शन कंडीशन अंडरगो हाइड्रोलिसिस एक्सेप्ट अमाइड. हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो भी कंपोनेंट्स बनने होंगे बन जाएंगे, उसमें से जो कंपोनेंट बना है वो रिएक्शन शो कर देता है. इज इट क्लियर? बस तुम इसको मिस कर गए थे, बाकी सारे सही थे. देख रहे हो मैंने कहा था ना, मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम में से किसी का भी सही होगा, और आप लगे हुए थे दूसरों को बताने में, इसलिए मना करता हूं. मैं क्वेश्चन मुश्किल नहीं देता, मैं क्वेश्चन वो देता हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनाता. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है तो क्यों नहीं आ सकता एग्जाम में? और एनसीईआरटी में होते हुए भी तुम इसे गलत करके आते, इसे छोड़ देते, वो बड़े आराम से सारे ऐसे डेरिवेटिव लिख देंगे, उनमें से एक कंपाउंड ये लिख देंगे और तुम घूमते रहोगे हैलोफॉर्म रिएक्शन कैसे मल्टीपल करेक्ट में दे देंगे. बेटा देखना पड़ता है. ही वॉज द नियरेस्ट करेक्ट, पर उसका भी गलत होता. इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आ जाता है ये. अब इंटीजर टाइप में तो हो गया था. इज दैट क्लियर? समझ आया हैलोफॉर्म रिएक्शन? अब ये समझ में आ गया कौन कौन सी स्पीशी हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते, एसिड डेरिवेटिव्स आज सच नहीं देते. अब द कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव मिथिलीन ग्रुप नहीं देता. ओके एनी ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ द हैलोफॉर्म रिएक्शंस देगा. एंड अगर हाइड्रोलिसिस होने के बाद ऐसा कोई स्पीशी बनता है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है तो दे देगा.
ठीक है, इथाइल एस्टर्स हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, इथाइल एस्टर्स, वो इथाइल एस्टर है, ठीक है। अब इथाइल के लिए मजा लेने के लिए कोई बंदा पंगे लेगा ना, वहां पे आइसोप्रोपाइल दे देगा, आइसोप्रोपाइल भी देगा, मिथाइल नहीं देगा, एन प्रोपाइल नहीं देगा, टर्शरी ब्यूटाइल नहीं देगा। इज इट क्लियर? समझ आ रही है बस? जब मैं उसकी आईआईटी वाले की तरफ से सोचता हूं ना और तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, तो मुझे रियलाइज होता है कि आईआईटी एडवांस का पेपर अल्टीमेट बन जाएगा। इस बार जैसा बना वैसा ही बनेगा और बिल्कुल एनसीईआरटी से बन जाएगा, प्योर एनसीईआरटी, सारे के सारे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। अभी मैं सॉल्यूशन सेट बना रहा था आईआईटी मेंस का, बना दिया मैंने, कंप्लीट कर दिया, तो उसके अंदर मैं रियलाइज कर रहा था कि यार कुछ नहीं किया हुआ उसने, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन चिपका रखी है। एक मेटलर्जी का क्वेश्चन था एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में, उसने लिखा हुआ था कि इट इज मिक्स्ड विद कैल्शियम फ्लोराइड विच डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट एंड प्रोवाइड्स कंडक्टिविटी। अरे एज इट इज, वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी की लाइन है वो, वर्ड बाय वर्ड, प्रोवाइड्स कंडक्टिविटी, इंक्रीज डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट, वो पूरी एज इट इज ऐसे उठा के चिपका रखी है पूरा। वो जो एल्यूमिनियम वाला क्वेश्चन है, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ऐसे का ऐसा उठा के उसने क्वेश्चन में ऑप्शन डाल दिया, विच ऑफ देम इज रॉन्ग, और कुछ नहीं किया उसमें, रॉन्ग में भी सब कुछ लिखा हुआ है। इट इज मिक्स्ड विद क्रायोलाइट, Al2O3 मिक्स्ड विद क्रायोलाइट इज द मैट्रिक्स विच इज इलेक्ट्रोलाइट। उसने बस Al2O3 को हटा दिया, Na3AlF6 एज इट इज लिखा हुआ है, दैट वॉज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर तुम्हें एग्जैक्ट नहीं पता तो माफ नहीं कर सकते आईआईटी मेंस में, ये कर रखा है उन्होंने लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। और एक गंदे वाला क्वेश्चन, विच ऑफ देम इज नॉट येलो, तीन चार ऑप्शन देखिए, विच ऑफ देम इज नॉट येलो, एनसीईआरटी लैब मैनुअल पार्ट 1 11th क्लास चैप्टर 7 लाइन से लिखे हुए सारे रिएक्शन एज इट इज। सॉरी, समझ आई बात? मुझे फिजिक्स का नहीं पता, मुझे मैथमेटिक्स का नहीं पता, मुझे केमिस्ट्री का इतना पता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की चार किताबें कर लो, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन बाहर, चार नहीं छह, सॉरी छह, छह किताबें करनी है तुम्हें और एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। छह कौन कौन सी है? एनसीईआरटी पार्ट 1, एनसीईआरटी 11th, एनसीईआरटी 12th, लैब मैनुअल 11th, लैब मैनुअल 12th और एग्जाम्पलर 11th, एग्जाम्पलर 12th। ये छह किताबें हैं, आठ हो गई, पार्ट 1 पार्ट 2 किसकी है? एक किताब है, दो है, अच्छा आठ हो गई है, चलो आठ सही। और फिर तुम मुझसे पूछते हो सर और कौन सी किताबें करें, हो गया हमारा, भाई गॉड, मेरे को तो लगता हो गया, कितना पढ़ता होगा यार। और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा किताबें करने का टाइम आ जाता है बेटा, अगर अगर आईआईटी वाला मूड में आया ना, इतना गंदा पेपर बनाएगा और प्योर एनसीईआरटी में से बना देगा, एक क्वेश्चन नहीं लेगा तुमसे। अगर उसने लैब मैनुअल उठा ली ना गलती से, तो तुम्हारा गंदा बैंड बजाएगा, बहुत गंदा, लैब मैनुअल में इतनी इंफॉर्मेशन है, बहुत बुरी तरह मारेगा और विद इन कोर्स मारेगा, कोई क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा उसे कि आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन दिया है। कर लो, दूसरी किसी किताब को हाथ मत लगाओ। और अगर तुम्हारे पास फिर थोड़ा सा टाइम बचे, मैं ये कह रहा हूं लैब मैनुअल एक बार पढ़ लो, ज्यादा मोटी नहीं है, पढ़ लो, ठीक है। अब ये टाइम आ चुका है तुम्हारा केमिस्ट्री स्टार्ट करने का। अगर तुम में से किसी को भी इतना सा भी डाउट है कि उसके आईआईटी में फर्स्ट 5000 एडवांस में रैंक आएगी या नहीं आएगी, तो बेटा केमिस्ट्री पर लग जाओ, मेंस में अल्टीमेट मार्क्स आ जाएंगे। एडवांस की तो केमिस्ट्री भी इजी नहीं होता, बट मेंस में केमिस्ट्री मुश्किल नहीं होता।
मैं फिर एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूं, फालतू की स्टेटमेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर तुम्हारे फिजिक्स प्लस मैथ्स इज मोर देन केमिस्ट्री इन मेंस, देन ईदर यू आर हैविंग अ स्कोर मोर देन 300 और यू आर नॉट क्लियरिंग द एग्जाम। सिंपल, सिर्फ दो ही लोगों के मोर देन फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स से, फिजिक्स और मैथ्स का सम, अकेले बात नहीं कर रहा, फिजिक्स प्लस मैथ्स अगर किसी का केमिस्ट्री से ज्यादा है तो वो दो ही केस में होता है, या तो वो टॉपर्स में है 300 से ऊपर, या फिर वो बेचारा क्लियर भी नहीं कर पा रहा, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होता। अब आप सोच लो कितना ही जोर लगा लो, फिजिक्स मैथ्स में मार्क्स नहीं आने वाले तुम्हारे। बहुत गंदा पेपर आता है मेंस का, अब तक आ रहा है 2 साल से फिजिक्स का, तो जिसने फिजिक्स से स्टार्ट किया वो बेचारा फिजिक्स से स्टार्ट करके फिजिक्स में ही खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ा। और ये मैं तुम्हें बड़े आराम से बोल सकता हूं क्योंकि तुमने भुगता है। लोग जाते हैं फिजिक्स की पूरी तैयारी है, फिजिक्स ही पढ़ते हैं लोग, फिजिक्स की पूरी तैयारी है, फिजिक्स फोड़ देंगे, फिजिक्स से शुरू करते हैं फुट जाते हैं खुद ही, फिजिक्स करने के बाद हिम्मत जवाब दे चुकी होती है, फिर आता है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स का पेपर पूरा रिपीटेड होता है, कोई नया क्वेश्चन नहीं होता, पूरा पेपर रिपीटेड होता है। लेकिन भाई ऐसा कौन सा बंदा है जिसने पिछले आईआईटी के 15 साल के पेपर याद कर रखे हैं, उनमें से देते हैं पेपर पूरा रिपीटेड, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। हाँ, पूरा का पूरा रिपीटेड पेपर है मैथमेटिक्स का, पर याद थोड़ी ना होता हर किसी को, फिजिक्स में पहली बैंड बच चुका होता है, मैथ्स पे आते हैं जितना याद होता है वो भी भूल जाते हैं, केमिस्ट्री के लिए लास्ट में पहुंचते हैं, केमिस्ट्री का पेपर इजी होता है, टाइम बचा नहीं होता, साफ सुथरा बिल्कुल क्लीन स्वीप होती है, सिंपल सा टेस्ट क्रिकेट वाले इंडिया बन जाते हो, T20 वाले ऑस्ट्रेलिया बन जाते हो, सफाई हो जाती है। ओके, हालो फॉर्म रिएक्शन कंप्लीट, सो दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म हालोफॉर्म फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन। एराइल हैलाइड में निपटा लेते हैं यहीं पे। जब एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो एक सीधा सीधा रिएक्शन अभी हम कर चुके हैं, दैट इज वी कैन स्टार्ट ओवर विद बेंजीन। बेंजीन का रिएक्शन हम कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ X2 और X2 का मतलब है Cl2Br2, इन प्रेजेंस ऑफ लुविस एसिड, भाई इधर सुन लो, हाँ लुविस एसिड, कोल्ड डार्क, ये कोल्ड डार्क लिखना जरूरी नहीं होता लेकिन इट इज अंडरस्टूड, यहां पे कोल्ड एंड डार्क है, लाइट के प्रेजेंस में दूसरा रिएक्शन हो सकता है, होता नहीं है पर ठीक है, कोल्ड डार्क हम लिख देते हैं अपनी तरफ से सेफ्टी के लिए। इट इज हैलोबेंजीन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अगर हमारे पास ये रिएक्शन है ये CH3 और यहां पर आपने X2 के प्रेजेंस में यहां पे लाइट लगा दिया तो बी वेरी क्लियर, अटैक सिर्फ यहां होगा और कहीं नहीं हो सकता, ठीक है। बेंजीलिक हाइड्रोजन है बेटा, यहां पे बेंजीलिक हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बेंजीलिक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, यहां पे जो रेडिकल बनेगा दैट इज बेंजाइल रेडिकल, बेंजाइल रेडिकल बहुत स्टेबल है, फटाफट बन जाएगा, यहां पे NBS लगा दो, SO2Cl2 लगा दो, वो भी रिएक्शन कर जाएंगे। ओके, अगर हमें आयोडीनेशन करना है तो आयोडीनेशन आराम से किया जा सकता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास I2 इन प्रेजेंस ऑफ HIO3 या फिर HNO3 होता है, सो दैट जो HI बना है उसको कंज्यूम कर सके, रिएक्शन रिवर्स ना जाए, ठीक है।
फ्लोरिनेशन ऐसे नहीं होता, ठीक है, और यहां पे स्वार्ट्ज रिएक्शन नहीं होता। ओके, नाउ ये एक रिएक्शन है। दूसरे, अगर हम अल्काइल, ये एराइल हैलाइड प्रिपेयर करने के रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, इधर सीरीज ऑफ रिएक्शन। ओके, सीरीज ऑफ रिएक्शन में हमारे पास ये कंपाउंड है, एनिलीन। अब इस एनिलीन में बेंजीन रिंग पे और ग्रुप्स लगे हो सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट यहां पे और कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। इसे अगर रिएक्ट करवा दिया जाए NaNO2 HCl के साथ, टेम्परेचर इज केप्ट बिटवीन 0 to 5 degrees Celsius। दिस वॉज ऑल्सो द क्वेश्चन इन IIT मेंस, ध्यान से देख लो, ठीक है। NaNO2 HCl के साथ अगर 0 to 5 degrees Celsius पे इसको रिएक्ट करवा दिया जाए तो आई एम नॉट गोइंग इन द मैकेनिज्म एट द मोमेंट, बाद में कराऊंगा। इसमें बन जाता है N2+Cl-। दिस कंपाउंड इज बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। इसे डायाजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। बेटा तेरी रिकॉर्डिंग करके ना तेरे घर भिजवा दूंगा, उसके बाद तू यहां पे अटेंड करने नहीं आएगा, तेरे को भी स्पेशल प्रिविलेज देना पड़ेगा घर जाके पढ़ाने का, उठने लायक तो होगा नहीं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम काफी सारे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। यहां पर हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ इसे रिएक्ट करवा सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल कुड बी साइनाइड, दैट इज वी कैन हैव इट रिएक्टिंग विद पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो यहां पर कॉपर प्लस इज अ कैटलिस्ट। कॉपर प्लस इज अ कैटलिस्ट। हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी यहां पे एनायन है कैटलिस्ट का एनायन भी वही हो, यानी कि पोटेशियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ CuCN इट विल गिव अस CN, बेंजोनाइट्राइड। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था, साफ लिखा हुआ था कि दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद दिस गिव्स ए, दिस इज ट्रीटेड विद दिस गिव्स बी, व्हाट इज बी, सीधा सीधा क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहां पर अगर हम KCN की जगह, साइनाइड की जगह अगर हम क्लोराइड ले लें, दैट इज वी कैन हैव HCl इन प्रेजेंस ऑफ CuCl, तो हमें मिल जाता है क्लोरोबेंजीन। अगर यहां पे HBr ले लें, CuBr, तो हमें मिल जाता है ब्रोमोबेंजीन। फाइन, आयोडीन के लिए ज्यादा पंगा नहीं लेना पड़ता, सीधा सीधा KI के साथ ट्रीट कर दीजिए, बन जाता है आयोडोबेंजीन। ये जो रिएक्शंस हैं, दीज रिएक्शंस हैव अ कैटेगरी नेम। अच्छा, इससे भी फ्लोराइड नहीं बन पाता, दे आर टर्म्ड एज मिट्टी में रिएक्शन, सैंड में। एज इट इज, ध्यान रखना, मिट्टी में है ये, सैंड में। ओके, एक और साइंटिस्ट था, उसने कहा कि भाई कॉपर क्लोराइड जो है इसको बना के डालने की जरूरत नहीं है, अगर हम HCl के साथ कॉपर ही डाल दें
तो वो HCl के साथ रिएक्ट करके कैटलिटिक अमाउंट का कॉपर क्लोराइड बना देगा। ओके, तो उसने कहा इस रिएक्शन को करने का तरीका ये है कि टेक CU HCl, तो आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर आप लेते हो CU HBr, तो आपको मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अब ये तो मिट्टी में थे, ये एक स्टेप आगे पहुंच गया, ये गटर में पहुंच गया। ठीक है, सेड में रिएक्शन ये इंक्लूड होते हैं, लेकिन हाँ अगर आइडियोलॉजिकली सोचा जाए तो KI वाला भी इंक्लूड होना चाहिए, बट दिस इज व्हाट इज लिस्टेड। तो भैया सीधी सी बात ये है कि सेड में रिएक्शन के अंदर वी आर नोबडी टू पुट द रिएक्शंस और नॉट, जो लिस्ट में है वो हमें मानना पड़ेगा। बुक में लिखा होता है ये सेड में रिएक्शन है तो ये है, किसी बुक में लिखा हो ये भी है तो मैं मान लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। बट NCERT में ये लिखे हुआ है तो मैंने ये मान लिया। ओके, अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा नाम हटके किसी और का नाम लग रहा हो, मेरा तो वैसे भी नाम नहीं है तो मैं क्यों लड़ूं। इज इट क्लियर? तो दैट इज सैंडमेयर्स रिएक्शन, दीज आर गैटरमैन्स रिएक्शन, दिस इज अनदर रिएक्शन, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये सारे के सारे जो रिएक्शन है दीज आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। ठीक है, अब एक और रिएक्शन है, इसे ट्रीट किया जाता है HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, आप इसको टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ जब इसको ट्रीट किया जाता है देन यू एंड अप विद अ प्रोडक्ट समथिंग लाइक N2 पॉजिटिव BF4 माइनस। ये एक ऐसा डायजोनियम सॉल्ट है जिसको एक्चुअली क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, यानी कि इसको 0-5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे भी एग्जिस्ट कर जाता है। पर हाँ, इसको हम फॉर द सेफ्टी से कि भाई ठीक है थोड़ा सा तो अनस्टेबल है ही है, तो इसको हम क्रिस्टलाइज कर देते हैं, येलो कलर के क्रिस्टल बन जाते हैं, छोटे छोटे पूरा पैक बन जाता है, इसको फ्रिज में रख लिया जाता है, थोड़ा सा निकालो यूज करो काम खत्म, आराम से बनता है ये। अगर इसको इफ इट इज सिंपली सॉल्यूशन इज अलाउड टू डिकम्पोज, ये डिकम्पोज करके अपने आप बिना किसी टेंशन के इट डिकम्पोजेस टू गिव फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब देखो ये सैंड में है, ये गटर मैन है, तब किसी को लगा कि मैं भी मैन लगाऊंगा, तो बड़े मैथोलॉजिकल फिगर चलते थे, एक ही मैन होता है, एक सुपर मैन होता है, इसने लगा दिया शी मैन। इट्स बाल्ज शीमैन रिएक्शन। हाँ शीमैन है ये बेटा, फ्लोरो एल्कीन फ्लोरो बेंजीन बनाने के दो ही रिएक्शन है, फ्लोरो एल्कीन बनाने का स्वाज रिएक्शन, फ्लोरो बेंजीन बनाने का बाल्ज शीमैन रिएक्शन। पिछली बार स्वाज आ चुका है, इस बार शीमैन आ जाएगा। बाल्ज शीमैन रिएक्शन, बाल शीमैन का कोई बात नहीं, पूछ लेंगे रिएक्शन पूछ लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, नाम पूछना जरूरी थोड़ी ना है। विच ऑफ दीज रिएक्शन विल गिव द फ्लोरोबेंजीन, और पता है कुछ चीजें वो एज्यूम कर लेते हैं कि अब एक बार उन्होंने वो पूछ लिया ना स्वाज रिएक्शन,
तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं होगा, कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो बाल शिमेन नहीं बताएगा, ठीक है। हर कोई थोड़ा सा वो प्रेडिक्शन पे चलता है ना, तो वो ये मान लेंगे कि ये भी सबने बताया होगा। दे डोंट वॉन्ट टू मेक द केमिस्ट्री पेपर डिफिकल्ट, दे डोंट वॉन्ट टू डू इट, दे वॉन्ट टू मेक इट ईजी। वो कहते हैं कि बेटा तुम फिजिक्स और मैथ्स में तो रहोगे, केमिस्ट्री में थोड़ा खुश रह लो, तो इसलिए केमिस्ट्री का पेपर ईजी ही बनाते हैं। बेटा इस बार अगर केमिस्ट्री का पेपर डिफिकल्ट बन गया ना, तो कट ऑफ इस बार 50 से ऊपर नहीं जाने वाली है, जो हालात है। क्लियर? Thank you.